हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। हाय एवरीबॉडी, मैं रामजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्प ज्ञान मिक्सिंग। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने वोकल को कैसे ट्रिक कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे अपना अथी कर सकते हैं, इफेक्ट इफेक्ट लगा करके कैसे, हमने सब बताया था कितना कितना इफेक्ट कैसे लगाना है, सब बताया था। ठीक है, आज बात करेंगे कि अपना जो वोकल्स हमने बनाए, जो गाए हैं, हमने जो सॉन्ग्स गाए हैं उसमें से नॉइस निकालने का। ठीक है, तो शुरू करने से दोस्तों, आप पहले की दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाव स्टूडियो जो आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, वाव स्टूडियो, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नाम देख लीजिए, यह WAV स्टूडियो। ठीक है, ये नाम डालने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है, एप्पल स्टूडियो में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। सबसे पहले हम ब्राउज़ पर जाएंगे, अपना जो सॉन्ग है एप्पल स्टूडियो का एप्पल म्यूजिक फाइल में जाएंगे और माइक ट्रैक में, जैसे कि हमने दोस्तों बताया था कि हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप WAV में फाइल सेव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप बिंदास WAV में सेव कीजिए फाइल, क्योंकि ये स्टूडियो WAV भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप इसको WAV में वहाँ से सेव करके यहाँ आप इसे WAV में अधिक कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे, ये लोडिंग होगा। आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा जो कि फुल स्क्रीन हो जाए। ठीक है, और हम इस पर एक ये आपका क्रॉप, ये क्रॉप है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका अगर ये निशान में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद इस पर वोकल पर एक बार क्लिक कीजिएगा, ये लाइनिंग आ रहा है, इसके बाद आप यहाँ क्लिक करते जाइएगा। ठीक है, ये रेड आइकन आपको पूरा फुल कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा नॉइस चल रहा है। ठीक है, नॉइस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना ये इफेक्ट में जाएंगे, एड इफेक्ट, और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों इसको ना घटाना है ना बढ़ाना है। ठीक है, जितना है उतना पे सेट करना है और उतना ही पे यस कर देना है। सेविंग होगा, इंस्टॉल होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यह नॉइस, आप देखिए कि नॉइस आपका कितना रिमूव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉइस पूरी हट चुकी है यहाँ। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप और चाहते हैं कि एक बार और भी यूज कर सकते हैं इसको, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक आपका नॉइस नहीं हटता तब तक आप यूज कर लीजिए। लेकिन आपका एक ही बार में नॉइस हट जाता है तो फिर आप एक बार दो बार यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक बार में हट जाता है तो दो बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी वॉइस एकदम क्लीन हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार और करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ बता दूं मैं। ठीक है, आप जो प्लगइन यूज कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि फिर से उस प्लगइन को हटा करके हटाए, तो उसके लिए आपको ये एडिट दिख रहा है, एडिट पर क्लिक करना है। ठीक है, और ऑनडो पर क्लिक करना है, ऑनडो। ठीक है, ऑनडो पर क्लिक करेंगे तो फिर से रेडिंग होगा, फिर से प्रोसेस होगा, फिर से इंस्टॉल होगा, और उसके बाद वो प्लगइन हट जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखा देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार फिर से करते हैं। ये देखिए, हमारा पहले वाला स्थिति में आ गया। ठीक है, जो कि प्लगइन हमने ऐड किया था वो हट चुका है। अब चलिए हम प्लगइन ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस पे चलते हैं।
फिर से एक बार ले लेते हैं, 2 बार लिए थे, 2 बार ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ से रेडी हो गया। ठीक है, आप इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए हमें इसको WAV में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से बिट दिखा रहा है तो बिट हम 32 बिट ले लेंगे, वो भी प्लॉट। ठीक है, ये ले लेंगे और सेम्स एस सोर्स ये कर लेंगे हम 4400। ठीक है, ये कर लेंगे और ये मान में रहने देंगे, बाकी हो गया। और यहाँ आप इस पर क्लिक कीजिए और कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इधर से फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इमो कर लेता हूँ, यहाँ आप नाम डाल दीजिए। ठीक है, इसको डन कर देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये फाइल आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि सेव हो रहा है। ठीक है, सेव एज टू फाइल। ठीक है, स्टोरेज इमो पे। अब चलते हैं बैक, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखते हैं हमारा फाइल किधर है। ठीक है, ये रहा हमारा फाइल। ठीक है, WAV में भी सेव हुआ है। ठीक है, अभी ये आपका इतना पूरा नहीं हुआ है, फिर अभी एप्पल स्टूडियो में ले जाने के बाद फिर से अभी इसको मास्टरिंग करना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।